में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है विकास को प्रभावित करने वाले कई कारक है, ठीक है। तो आइए हम लोग उन कारकों से अवगत होते हैं, ठीक है। चलिए, तो विकास को प्रभावित करने में कई कारक क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि कोई भी बच्चा बहुत अधिक जो है विकास की ओर अग्रसर होता है और कोई बच्चा जो है विकास की ओर जो है कम अग्रसर होता है, यानी कि उनकी विकास की गति किसी की तीव्र होती है और किसी की मंद होती है। तो इनके उनके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो कि इनके विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे को मतलब कि डेवलप होने में या नहीं होने में क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ बालकों में जो ये डेवलपमेंट की बातें हैं वो बैलेंस वे में होती है और कुछ में ऐसा होता है कि आपका इतना मतलब कि अनबैलेंस वे में भी होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ मतलब कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं। तो सबसे पहला कारक है रोग, ठीक है। तो रोग में क्या होता है कि अगर कोई बच्चा किसी मतलब कि कोई शारीरिक रोग से अगर ग्रसित हो जाता है, चाहे या कुपोषण का शिकार है या दिव्यांग है, तो ऐसे में कई प्रकार के जैसे कि शारीरिक विकास तो बाधित होते ही है, साथ ही मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और कई प्रकार के विकास क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ऐसे में बच्चे जो है वो मतलब कि आगे बढ़ने से क्या होते हैं, कुंठित होते हैं और समाज में भी वे अपने आप को मतलब अन्य बालकों से, सामान्य बालकों से अलग समझते हैं, ठीक है। यानी कि उनमें हीन भावना ग्रसित हो जाती है जिनके कारण विकास के कई आयाम प्रभावित होते हैं। दूसरा है हमारा पोषण, ठीक है। दूसरा क्या है, पोषण, यानी कि विकास को प्रभावित करने में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन का भी जो होता है बहुत बड़ा रोल होता है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, तो ऐसी स्थिति में एक अच्छे शरीर का निर्माण तभी हो पाएगा जब हम एक अच्छे पोषक तत्वों से क्या होंगे, युक्त भोजन को हम क्या कर पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चा मतलब कि एक अच्छे परिवार का होता है, तो वैसे बच्चे का जो पोषाहार होता है यानी कि पालन पोषण जो होता है वो अच्छे तरीके से होता है, जिसमें कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास जो है सुचारू रूप से विकसित होता है। लेकिन यही हम गरीब और असहाय मतलब कि असमर्थ बच्चों की जब हम बात करें, तो ऐसे में बच्चे जो होते हैं उन्हें सही रूप से संतुलित आहार नहीं मिल पाता, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है और कई प्रकार के मतलब कि पोषण की कमी से, खनिज तत्वों की कमी से इनमें जो है कई प्रकार के शारीरिक विकृतियां आ जाते हैं, मानसिक विकृतियां आ जाते हैं, जिनके कारण ऐसे बच्चे जो होते हैं यानी कि विकास के पथ पर अग्रसर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी विडंबनाएं होती है जो विकास को प्रभावित करती है। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा है शारीरिक भार तथा आकार। तो शारीरिक भार और शारीरिक आकार जो होता है ये भी विकास को बच्चे प्रभावित करते हैं, क्योंकि शारीरिक जो भार होता है एक उम्र के साथ क्या होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि किसी बच्चे के शारीरिक भार और शारीरिक विकास जो होते हैं ये अलग अलग आयु स्तर में अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि बच्चे जो है इनका शारीरिक जो आकार होता है ये सामान्य बच्चों की अपेक्षा होनी चाहिए, जबकि वजन की बात की जाए, भार की बात की जाए, तो इसमें भी क्या है कि लड़के और लड़कों की अपेक्षा क्या होना चाहिए, इनमें कुछ अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो जहां तक कि देखा जाए तो लड़के का जो भार है वो लड़कियों के भार से क्या होता है, अधिक होता है। शारीरिक कदकाठी जो है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगर परिपक्वता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लड़के जो हैं वो लड़कियों से बाद में परिपक्व होते हैं, जबकि लड़कियां जो है वो पहले ही परिपक्व हो जाती है। अगला जो हमारा मतलब कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, आत्मविश्वास का अभाव यानी कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जो लैक
लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि विकास जो है, विकास हमें हमेशा हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति मतलब सफल है तो यानी कि उनका विकास हो रहा है, और जो असफल है उनका विकास नहीं हो रहा है। ऐसे हमारी क्या है, एक मानसिक धारणा है। लेकिन ये बातें सफलता या असफलता की जो बातें होती है हमारे आत्मविश्वास पर होती है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर होती है। ठीक है, कहते हैं कि मन से हारे हार है और मन से जीते जीत। यानी कि अगर हम मन में सोच लेते हैं कि नहीं हम मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा आत्मविश्वास बोलता है, उनके प्रति हमारा समर्पण होता है। ठीक है, और हम अगर कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे तो यानी कि हमारा आत्मविश्वास वहां डगमगा जाता है। तो किसी भी बच्चे का सफलता या असफलता जो होता है वो विकास को पूर्ण रूपेण प्रभावित करता है, लेकिन वहां आत्मविश्वास का अगर अभाव रहे तो इससे क्या होता है, विकास बिल्कुल प्रभावित होता है, यानी कि मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है। नेक्स्ट है तंग या कसे वस्त्रों का प्रयोग। देखिए, विकास को प्रभावित करने में जो अगर कसे कपड़े पहनते हैं, जींस वगैरह पहनते हैं, या लड़के या लड़कियां अपने जो भी परिधान पहनते हैं, तो इनसे क्या होता है, हमारे जो शरीर के तंत्रिका तंत्र होते हैं ये पूर्ण रूपेण क्या हो जाते, संकुचित हो जाते, जिससे कि ब्लड का प्रवाह यानी कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा शारीरिक विकास और मानसिक और कई तरह के संवेगात्मक विकास क्या होते हैं, पूर्ण रूपेण बाधित हो जाते हैं, और हम कई प्रकार के रोगों से क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। उसके बाद हमारी थिंकिंग जो होती है, सोच जो होती है, ये भी विकास को क्या करती है, पूर्ण रूपेण प्रभावित करती है। ठीक है, तो विकास सोच से हमारा तात्पर्य क्या है कि अगर हम अगर कहते हैं ना, जैसा सोचिएगा वैसा करिएगा, यानी कि अगर हम सोच को सकारात्मक पहलुओं पर अगर आधारित करते हैं तो हमारा क्या होता है, विकास पॉजिटिव वे में होता है। अगर हमारी सोच नेगेटिविटी पर आधारित होती है, नकारात्मकता पर आधारित होता है कि ये हमसे नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हम जो है हमारा विकास नकारात्मक पहलू की ओर अग्रसर होता है, यानी कि हमारा विकास धीमा हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ी सी इसकी डिटेल से हम थोड़ी मतलब डिस्कशन करेंगे। जहां तक कि रोग की बात कहे तो रोग जो होता है, जैसे कि बच्चे में कई प्रकार के अगर मतलब कि कुपोषण का अगर वो शिकार हो जाए या कई प्रकार के रोग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विकास पूर्ण रूपे प्रभावित होता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि पोषाहार। पोषाहार में हमने क्या देखा कि जिन बालकों को मतलब कि बाल्यकाल में अगर सही पौष्टिक आहार नहीं मिले, संतुलित आहार नहीं मिले, तो उनका शरीर जो है मतलब कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता है, और उनकी जो मसल्स होते हैं उन पर जो है उनका नियंत्रण जो है वो पूर्ण रूपेण नहीं होता है, और जिससे जिसके कारण उनमें कई प्रकार के बीमारी जैसे कि सूखा रोग हो गया, फिर उसके बाद कई प्रकार के असंतुलित भोजन के खाने से कई प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे शारीरिक भार की अगर बात करें तो शारीरिक भार में है कि जिन बालकों के शारीरिक भार जो है सामान्य से अधिक या कम होगा, तो इससे क्या होता है, उनको विभिन्न प्रकार के कौशल को सीखने में, बहुत तरह के अनुभव को लेने में उन्हें क्या होती है, परेशानी होती है, कई तरह के कठिनाइयों का सामना करता है। और इसके विपरीत अगर हम वैसे बच्चों जो कि शारीरिक भार जिनका सामान्य है, वजन जिनका सामान्य है, तो उन बालकों का विकास जो होता है वो संतुलित रूप से होता है, और इससे यह स्पष्ट होता है कि बालकों का शारीरिक आकार जो है वो उनके शारीरिक भार का क्या होना चाहिए, मतलब कि समतुल्य होना चाहिए, जिससे कि उसके विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हमने देखा था कि आत्मविश्वास का कमी, यानी कि बच्चों के सीखने के लिए और सिखाने के लिए हमें बच्चों में पहले आत्मविश्वास को जगाना होता है कि तुम कर सकते हो, तुम मतलब कि
उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। इन सारी बातों से हम बच्चों के मनोबल को बढ़ा करके हम उनके कई प्रकार के विकासात्मक पहलुओं को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और उनके इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे और साथ ही उनमें यानी कि जिन बालकों में आत्मविश्वास अगर पाया जाता है और प्रत्येक कार्य को अगर करने की वो क्षमता है तो उसे बार बार पुनर्बलित करेंगे और उसे अप्रिसिएट करके उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चे क्या देखेंगे कि कई ऐसी बातें हैं जो कि विकास क्या होती है, इससे प्रभावित होती है। तो चलिए आपको विकास को प्रभावित करने वाले कारक का कंसेप्ट जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।